आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य एपीएसआई कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है, तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती जिसको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर, और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला सिहारे बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में भी गया था, बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया। आने वाले समय में अपने नीच कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा में हो जाए जैसे यहाँ के माफिया ठंडे हो गए। जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले को रोका था, नाम से आज एक मार्ग का लोकार्पण करने
अवसर मुझे प्राप्त हुआ और लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को जिनके कारण इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित होकर के भारत के लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति करते हैं और सभी लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर यहाँ पे इस नामकरण के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर और ज्ञात अज्ञात सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूँ। और भाइयों बहनों, आप इसको विडंबना ही मानेंगे, आजादी के बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय के उन तमाम महान लोकतंत्र सेनानियों ने उसने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सदैव लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, कांग्रेस कांग्रेसी सभी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर के लोकतंत्र को बचाने का जो कार्यक्रम किया था उसमें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला सिहारे बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जब भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्चे नेतृत्व में वैश्विक मंच हो या फिर भारत के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, इन सभी कार्यक्रमों को जब अच्छे रूप में भारत आगे लेकर के चलना है, ये यात्रा विकास की, समृद्धि की, खुशहाली की और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा की अनवरत चलती रहे, इसके लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार की 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियों को लेकर के आम जनमानस के बीच में हम जाकर के 2024 की तैयारियां कर सके, इसके लिए आज मैं आपके बीच में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 1718 करोड़ की परियोजनाओं के पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस को अथॉरिटी की ओर से 56 चार पहिया वाहन पेट्रोलिंग के लिए उपलब्ध करवाए गए। अथॉरिटी के द्वारा अभी यहाँ पे हाईराइज बिल्डिंग के लिए फायर टेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। लगातार आज आप देख रहे होंगे अथॉरिटी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहाँ पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी, यहाँ खराब था, यहाँ के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहाँ लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक सेंटर का भी उद्घाटन यहाँ पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर जनपद की तस्वीर हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे, मैं बलरामपुर जिले में जो एक्सप्रेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर,
ऐसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया। वहां पर चल रहे विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास, काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। मथुरा वृंदावन जैसे काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आभा के साथ दिव्य और भव्य काशी के रूप में आज जगमगाहट के साथ वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। ऐसे ही अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में जगमगा रही है और मुझे लगता है हर भारतवासी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत का सुचिंतक होगा, वह जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे अयोध्या में। भी और मैं कल मथुरा वृंदावन की जगमगाहट को वहां पे चल रहे कार्यक्रमों को भी देख रहा हूँ। देर रात्रि तक मुझे अनेक स्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आज प्रातः जब मैंने मालूम किया कि क्या स्थिति है गौतम बुद्ध नगर की, मुझे बताया गया बारिश हो रही है, कैसे कार्यक्रम होंगे। मैंने कहा चिंता मत करिए, ये तो जो पहले से बोला गया उसके अनुरूप हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अब विकास के बारे में लोग सोच रहे हैं, विकास होना है, लोगों के मन में एक बात आ गई है कि हम केवल और केवल सकारात्मक सोच के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अनथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी। हर एक क्षेत्र में आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया, दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। हर भारतवासी गौरवान्वित है। आपने परसों देखा अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे और अमेरिका में क्या अभूतपूर्व स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, वर्तमान में आजादी के अमृत काल में भारत 2 बड़ी उपलब्धियों को लेकर के वैश्विक मंच पर छा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। G20 दुनिया के 20 बड़े देश जिनके पास कुल दुनिया की आबादी की 65% से अधिक आबादी निवास कर रही है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% GDP पर जिनका अधिकार है और 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, उन देशों के अध्यक्षता भारत में और भारत वर्तमान में कर रहा है। G20 का एक समिट गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी प्रस्तावित है। एक तरफ यह और दूसरी तरफ जब भारत अपनी आजादी के अमृत काल में चल रहा है, एक नए भारत के रूप में, एक खुशहाल भारत के रूप में, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ता हुआ भारत आज हम सबके सामने है। कोरोना काल खंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 3.25 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का दावा भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है। भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को भारत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है और दूसरी तरफ
1947 में भारत का विभाजन करके बना हुआ पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। जब भारत अपनी आजादी का महत्व है तब भारत खुशहाली की ओर से दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत के नागरिकों में समृद्धि आ रही है। भारत विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। यह यात्रा इसी प्रकार से बनी बनी रही। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। एक तरफ भारत की शानदार यात्रा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचना रास्ता दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं आने वाले समय में अपने नीच कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा न हो जाए जैसे यहाँ के माफिया ठंडे हो गए। कोई कारण नहीं, आज देखना ये उधर बढ़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूँ आप सबसे अपील करने के लिए, जिन लोगों ने लोकतंत्र के कदे को रोका था आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ जब जेडीयू और अन्य एपीएसआई कहे जाने वाले दलों की जब सांठ गांठ होती है तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया। वे समर्थन नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती जिसको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें विकास के बारे में जो सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। और आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं स्वयं इसी बात को लेकर आया हूं, विगत 6 वर्ष में यहाँ के प्रशासन को बदला, यहाँ के बड़े बड़े कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, निवेश आ रहा है। और गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना पार्टी के माध्यम से अपनी आवाज को देश के अंदर और वैश्विक मंच पर फिर से उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में इस जनपद ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान विगत 6 वर्ष के अंदर देने का कार्य किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर जेवर में बनता। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले जेवर की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी? और इस वर्ष के अंत में हम जेवर में कार्य संपन्न कर चुके होंगे। भाइयों बहनों, यहां पे आज मेडिकल डिवाइस पार्क भी आ रहा है, आज यहां पे फिल्म सिटी भी आ रही है, आज यहां पर विभिन्न प्रकार की वे योजनाएं जिनके बारे में कभी कल्पना की जाती थी आज वह सब कुछ यहां आ रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा शेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों ने जमीन की, सचमुच उनका अभिनंदन करता हूं। मैंने यहीं पे आकर के उनसे उस समय संवाद किया था और मैंने अनुरोध किया था कि आपका समय निकल चुका है लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में हमें कैसा विकास चाहिए। जो इस पूरे जनपद को, यहां के विकास को बैरियर बन करके माफियाओं के साथ मिल करके यहां के विकास को रुद्ध करते थे, हमें उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना है या यहाँ का विकास करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल करना है। और यहाँ के आने वाले सभी सम्मानित किसानों ने, अन्नदाता किसानों ने कहा था नहीं, हमें विकास चाहिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल चाहिए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सचमुच आप विकास के पक्षधर है तो एक काम करना कि जेवर एयरपोर्ट के लिए बनने वाला जो एयरपोर्ट है उसके लिए जमीन है, उस जमीन की रजिस्ट्री
महीने के अंदर आप यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में आकर के मुझे दे देंगे, तो मैं मान लूंगा कि आप लोग सचमुच एयरपोर्ट बनाने के पक्षधर हैं और मैंने किया था और मैं आज इसीलिए आया हूँ। आज हम यहाँ से आए हैं, आज यहाँ पे 17-18 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी है, समझ से भी है, रेलवे से भी है, यहाँ की अन्य अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, लेकिन साथ साथ इस जनपद के समग्र विकास के लिए अथॉरिटी के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की वह एक झलक भी प्रस्तुत करता। भाइयों बहनों, मैं आज यही आश्वासन देने के लिए आया हूँ, किसानों की समस्या का समाधान हमारी शीर्ष प्राथमिकता और सकारात्मक योगदान संवाद से समस्या का समाधान हो, संवाद के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आखिर हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, इसके लिए सकारात्मक ताकतों को बीच में नहीं आने देना है। जो लोग विकास के विरोधी हैं, आपके कंधे में बंदूक रख करके केवल अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, विकास को बाधित करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और लोगों को सफल नहीं होने देना है, हम संवाद के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करें और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बायो और विंटर से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। इस समस्या का भी समाधान होगा क्योंकि यहाँ के विकास के लिए या उससे और इन सभी समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान के किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सके, इसके लिए जनता जनार्दन का योगदान, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और साथ साथ सभी प्रकार के प्रशासनिक अथॉरिटी शासन से जुड़े हुए अधिकारियों का बेहतर संवाद इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यह आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में संभव है, यह हमने करके दिखाया है और इसके परिणाम भी बहुत शीघ्र आप सबके सामने आएंगे। आज के अवसर पर भाइयों बहनों, 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियां बेमिसाल है, खुशहाल भारत की एक नई नींव रखने वाले हैं और समृद्ध और खुशहाल भारत की नई नींव के लिए हम सबको भी मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत के निर्माण के लिए समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। आज के अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से इन सभी योजनाओं की बधाई देते हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधि